हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नई एक्साइज पॉलिसी पर सवाल उठाए हैं। बड़ी खबर से फिलहाल हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक्साइज पॉलिसी पर सवाल उठाया है। ग्राम पंचायतों के प्रस्ताव पर वहां पर ठेका नहीं खुल सकता है, ऐसा हुड्डा ने अपना पक्ष रखा है। साथ ही ये भी कहा है कि शहरों में विरोध पर ठेके नहीं खोलने की शुरुआत क्यों की गई, अगर 10% लोग भी विरोध करते हैं तो यहां पर ठेके नहीं खुलने देने चाहिए। साथ ही साथ बड़ा आरोप लगाया कि स्कूल के पास में यहां पर ठेके खोले जा रहे हैं, बजट से पहले दूसरे दलों के नेताओं से भी बातचीत करनी चाहिए, यहां पर विधायकों से चर्चा, सरकार का एक इवेंट मैनेजमेंट यहां पर करार दिया है भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। जाहिर सी बात है 28 को बजट पेश होना है, ऐसे में अगर खट्टर सरकार की बात करें तो खट्टर सरकार साफ तौर पर कह रही है कि लगातार हम यहां पर विपक्ष से भी चर्चा करके बजट को और भी ज्यादा लोगों के लिए फलदायक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहां पर नेता विपक्ष जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो तमाम सवाल या निशान खड़े कर रहे हैं एक्साइज पॉलिसी पर। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहां पर बजट को लेकर जो चर्चा का दौर चल रहा है उस पर भी तमाम सवाल या निशान खड़े करते नजर आ रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। देखो जहां तक सवाल है गांव में तो अभी पहले भी था, जो गांव पंचायत प्रस्ताव पास कर देती थी वहां ठेका नहीं खुल सकता था। अभी इन्होंने ग्राम सभा में कहा है, अब जितने गांव में ठेका वो हुआ है, कितनों ने ग्राम सभा में किया है, कितने पंचायत किया है, ये तो डिटेल आने से पता लगे। लेकिन शहरों में वार्ड वाइज क्यों नहीं किया इन्होंने, वार्ड वाले एक वार्ड के जो हैं वो भी प्रस्ताव करते 10%, ग्राम सभा 10% के 10% उस लोकेलिटी के लोग अगर प्रस्ताव पास करते हैं तो वहाँ भी शराब का ठेका नहीं होना चाहिए, शहर में भी इसमें इनको वो मिलनी चाहिए, क्योंकि शहरों में भी शराब के ठेके स्कूलों के पास इधर उधर खुल रहे हैं, उससे बड़ा नुकसान हो रहा है। सर एक चीज़ और है इसमें, जो ठेकों की संख्या है वो करीब 100 और बढ़ जाएगी, क्योंकि पिछली बार घाटा हुआ था इस एक्साइज पॉलिसी में, अबकारी जो नीतियाँ होती हैं। पिछली बार भी इनका टारगेट पूरा नहीं हुआ, और अब के जैसे मैंने कहा अगर ये नीति लाएंगे शहर गांव बराबर, गांव में है सुविधा, ये है उनका अधिकार, तो शहर के वार्डों में मेरे को मिले थे रोहतक वार्ड के कई लोग कि जी हम इस ठेके से बहुत परेशान हैं, हमारे बच्चे बहुत परेशान हैं, हमारे यहाँ भी ठेका नहीं खुलना चाहिए। तो ऐसे किस्म के जो वार्ड हैं वहाँ भी जो है ठेका नहीं खुलना चाहिए, अगर वो ग्राम सभा के करीब तरह अगर अपना प्रस्ताव पास करते हैं। हमारे विशेष संवाददाता विनोद लामा हमसे जुड़ चुके हैं। विनोद, यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हम सुन रहे थे, पीछे से मुझे आपकी भी आवाज आ रही थी, तो आप बेहतर बताएंगे कि यहाँ पर अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें तो एक्साइज पॉलिसी से क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं उनको? देखिए एक्साइज पॉलिसी को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो सवाल खड़े किए हैं वो कहा है कि ग्राम पंचायतों के हिसाब से जिस तरह से आबादी वाले एरिया से अलग ठेके खोलने की बात की जा रही है और ये कोई नई नीति नहीं है, जिसका क्रेडिट जननायक जनता पार्टी लेना चाह रही थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उस नीति पर सवाल उठाते हुए साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये कोई नया नीति नहीं है, इस तरह की नीति पहले की सरकारों में भी रही थी, जो 10% अगर ग्राम पंचायत के लोग का अगर किसी चीज को लेकर या कहें कि ठेकों को लेकर ऑब्जेक्शन हटाते थे तो ठेके वहां नहीं खुलते थे। इसके अलावा उनका एक मांग थी कि जो वार्ड के हैं, जो नगर निगम के अंदर वार्ड आते हैं, वहां की अगर 10% जनता यानी कि शहर में भी ऐसी आबादी वाले एरिया में ठेके नहीं होने चाहिए, उनकी शिकायतों का भी उन्होंने जिक्र किया। जी विनोद, यहाँ पर एक चीज और देखने को मिल रही है, बजट आने वाला है 28 को बजट पेश किया जाएगा, ऐसे में सरकार दावा कर रही है कि विपक्ष से बराबर चर्चा की जा रही है, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट है यहाँ पर इस सरकार का। बिल्कुल निश्चित तौर पर उनसे बार बार 2-3 बार ये सवाल पूछा गया कि भाई आपके जो विधायक है, आप नेता प्रतिपक्ष है, 31 आपकी संख्या है, आपके विधायकों का जो फीडबैक क्या प्रॉपरली लिया गया और उसके हिसाब से क्या कहा जा सकता है कि सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया, तो साफ तौर पर कहना था कि कोई सुनवाई उस तरह से नहीं हुई है, एक रस्म अदायगी कहा जा सकता है, एक स्टेज मैनेजमेंट कहा जा सकता है कि इवेंट मैनेजमेंट की सरकार है और इस तरह की जो प्रक्रिया थी सिर्फ मीडिया की सुर्खियों के लिए थी, इसमें कोई एक शुरुआती तौर पर जो एक बात करनी थी या विधायकों से फीडबैक लेना था इस तरह से नहीं किया गया, ये तो सिर्फ एक इवेंट मैनेजमेंट के तौर पर बीजेपी की सरकार ने किया। लेकिन मीटिंग्स में तो शामिल होते थे विनोद? हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने, कांग्रेस के तमाम जो विधायक थे वो निश्चित तौर पर शामिल हुए थे और उनकी तरफ से बात भी रखी गई थी, कुछ विधायकों ने अपने एजेंडे भी बताए थे। अब इवेंट मैनेजमेंट था तो क्यों गई थी कांग्रेस के विधायक, ये सोचने वाली बात है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी से रूबरू करवाने के लिए विनोद।